हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मेरा हैंगिंग प्लांट्स का टूर कराऊंगी जो कि बैल्कोनी में है। और ये देखिए, मेरे रोज़ गार्डन में ये वही रोज़ प्लांट है जिसमें हम हर बार फर्टिलाइज़र्स डाल के आप लोगों को वीडियो शेयर करते हैं। हम हर महीने में ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं और उसमें देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है। तो चलिए देखिए, अभी हम हमारा हैंगिंग प्लांट्स के पास आ गए हैं। और ये यहाँ पे कुछ सकुलेंट्स है, वो सबको भी मैं दिखा देती हूँ जो कि हैंगिंग है। और इसके बगल में उस साइड में बहुत सारे सकुलेंट्स है जो कि मैंने सकुलेंट प्लांट्स का टूर कराया था समर्स में, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। और ये वाला सकुलेंट को देखिए कितना लंबा बन जाता है। ये बहुत ही अच्छा एक हैंगिंग प्लांट है जो कि आपको बस थोड़ा बहुत धूप देना है। ये प्लांट में 2 घंटे जैसा धूप दे दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होता है। सुबह का धूप देने से बहुत ही अच्छा रहता है, बस 1-2 घंटे का होने से ही हो जाते हैं इस समय। तो देखिए, इसमें सीड्स भी बनते हैं और इसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स। और इसका पत्तियों का शेप भी हार्ट की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम स्ट्रिंग ऑफ हार्ट है। और वो बहुत ही अच्छा है, आप सीड से भी उसको ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। और ये वाला प्लांट को देखिए, मैंने इसको एक वो हैंगर बना दिया है ये कुछ पुराना कपड़े से, तो बहुत ही अच्छा बन गया है ये। इसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये प्लांट को। और कुछ विंटर में ही मैंने इसको परचेस किया था, बहुत ही छोटा सा एक प्लांट था, बस पॉट के अंदर ही था। और ये देखिए कितना बड़ा बन गया है इस कुछ महीने के अंदर ही। और ये वाला प्लांट देखिए, ये भी बहुत ही सुंदर एक सकुलेंट है, डंकी स्टेल भी इसको बोलते हैं। ये भी बहुत ही लंबा ही बन जाते हैं। और देखिए, यहाँ पे से बहुत ही लंबा एक शूट नीचे की तरफ था जो कि मैंने कटिंग्स उसको काट के प्रोपागेट किया है। और यहाँ पे देखिए नया शूट भी निकल रहा है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। ऐसे तो थोड़ा सा स्लो ग्रो करते हैं, फिर भी मेरे यहाँ पे देखिए बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो हो गया है। ये सबको विंटर्स में, ये वाला को भी मैंने परचेस किया था, उस समय बस एक ही ब्रांच था लटका हुआ, और अभी देखिए पूरा पॉट भर गया है। और ये वाला प्लांट भी बहुत ही सुंदर है और इसका कंप्लीट क्या टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। और इसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ रूबीस, वो बहुत ही सुंदर है। और वो कुछ मैंने कटिंग से लगाया है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट को, और उस स्पॉट में जो सीड्स से मैंने ग्रो किया था वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो सारा वीडियो सब चेक कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अभी हम हमारे जो शेड लविंग प्लांट्स है इंडोर में ग्रो होते हैं वो प्लांट्स के पास आ गए हैं। और इसका नाम है वंडरिंग जीव। ये जो प्लांट है ये जल्दी जल्दी ग्रो हो जाता है, बहुत ही अच्छा एक प्लांट है। बस 1 महीना हो गया है वो पॉट मुझे तैयार करते हुए, और देखिए पॉट एकदम भर गया है। और ये तो इंग्लिश आईवी बोलते हैं, इस प्लांट का नाम है। तो ये प्लांट भी देखिए कितना लंबा बन गया है। आप मेरा लास्ट ईयर का वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा एक प्लांट था, मतलब विंटर्स में शायद मैंने वीडियो शेयर किया था, या फिर लास्ट जो वीडियो शेयर किया था वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। और देखिए इसका इतना सा कटिंग लेके आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और ये भी बहुत ही लंबा बन गया है। तो ये वाला प्लांट भी बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लटकते हुए जो भी प्लांट होता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए ये भी एकदम पूरा पॉट भर गया है और बहुत ही इजी ग्रोइंग होता है ये सारे प्लांट। ये सबको धूप देने का भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ता है ये सारे प्लांट्स को, बस सकुलेंट्स को छोड़ के वो सबको थोड़ा बहुत आप अगर इनडायरेक्टली भी धूप दे तो बहुत ही अच्छा होता है सकुलेंट्स के लिए। और ये भी वंडरिंग जीव का ही ये दूसरा वैरायटी है। ये वाला कलर जो इसमें वाइट और कुछ लाइम ग्रीन जैसा इसका पत्तियाँ जो होता है, देखिए वाइट और लाइम ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन है, चेक चेक है उस कलर में, ये देखिए। तो ये भी कुछ दिन पहले ही, 3-4 महीने पहले ही इसको मैंने परचेस किया था और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था हैंगिंग पॉट के लिए कैसा पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं आप।
तो उस वीडियो में ये वाला प्लांट को रिपोर्टिंग करके ही मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था। तो उसका भी बहुत सारे कटिंग्स मैंने ग्रो किया है वो वाला प्लांट का, इसलिए थोड़ा छोटा पड़ गया है। कुछ दिन पहले ही बहुत सारे कटिंग्स मैंने तैयार किया है और ये भी कहीं से मैंने कटिंग्स ला के लगाया है। इसका नाम है पर्पल हार्ट बोलते हैं। और ये भी देखिए वंडरिंग जीव, ये सबको मैंने कहीं से कटिंग्स ला के लगाया था और ये एकदम बहुत ही इजी ग्रोइंग और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये वाला प्लांट को देखिए, पॉट दिखता ही नहीं है कहाँ पे पॉट होता है और बहुत ही अच्छा सा एक शेप बन जाता है। और ये भी ज़्यादा दिन इसी साल का प्लांट है और देखिए एकदम समर्स में ये मानसून में तो और अच्छा लगता है प्लांट्स को। कोई भी जो इंडोर प्लांट्स होता है यानी शेड लविंग प्लांट्स होता है वो सबको आप बारिश का पानी में छोड़ दीजिएगा कुछ देर के लिए। जब पानी सूख जा मिट्टी सूख जाते हैं उस समय आप उसको फिर से दोबारा से वो बारिश का पानी दीजिएगा, बारिश में छोड़ दीजिएगा हल्का बारिश में। फिर कुछ देर बाद अंदर लेके आइएगा तो बहुत ही अच्छा फ्रेश हो जाते हैं, एकदम हरा भरा हो जाते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ मेरे सारे इंडोर प्लांट्स को। और देखिए ये एक मनी प्लांट है, इसको मैंने ऐसा राउंड शेप में कर दिया है, मतलब राउंड बना दिया है इसका जितना भी ब्रांचेस निकला हुआ था, तो ऐसे करके मैंने रख दिया। बहुत ही लंबा बन गया था तो इसको ऐसे करके मैंने बना दिया। ये देखिए तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। और एक है जो कि मैंने मॉस स्टिक में लगा के रखा, वो उसका पत्तियाँ तो बहुत ही बड़ा बड़ा बन गया है। इसका भी कंप्लीट केयर टिप्स मैं आप लोगों के साथ कुछ दिनों के अंदर शेयर करूँगी मैं कैसे केयर करती हूँ। देखिए ऊपर में ये एक मिट्टी का पॉट जो है वो वाला पॉट है, और देखिए ऐसा करके मैंने इसको लपेट के रखा है सारे ब्रांचेस को, तो एक राउंड शेप आ गया है उसका, बहुत ही अच्छा लगता है। जब और पत्तियाँ फट जाएगा तो और अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे करके भी आप ये प्लांट को ग्रो कर सकते हैं हैंगिंग पॉट में। यहाँ पे भी कटिंग्स लगा दिया है वो वंडरिंग जीव का। तो फ्रेंड्स यही कुछ मेरा हैंगिंग प्लांट्स है जो कि यहाँ पे मैंने हैंग करके रख देती। और जो पर्पल हार्ट का प्लांट है वो दूसरे जगह पे रहते हैं, अभी मैं यहाँ पे रखा है उसको। तो फ्रेंड्स यही है मेरे सारे हैंगिंग प्लांट्स। और फ्रेंड्स वंडरिंग जीव को आप जरूर लगाइएगा, बहुत ही इजीली जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं, महीने के अंदर ही पूरा पॉट भर जाते हैं। बस दो तीन ब्रांचेस कहीं से ला के लगा दीजिएगा, अभी भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।